तो यार मेरी काली जुबान का किसी को प्रत्यक्ष रूप देखना हो ना तो आज का पूरा ब्लॉग देखना, जो बोल दिया सो हो गया तुरंत मेरे साथ। बताओ तो सुबह 6 बजे उठने के बाद मेरी एडिटिंग 9 बजे अभी कंप्लीट हो चुकी है, रेंडरिंग पे वीडियो लगा दी है, होपफुली 45 मिनट में हो जाएगी, 15 मिनट में अपलोड कर दूंगा। जब तक अगर मैं सो जाता हूँ क्योंकि नींद बहुत तगड़ी वाली आ रही है मुझे। तो यार बस काम करके भी उठा हूँ, टाइम 12:30 हो रहे हैं और अभी नहाया भी नहीं है, कुछ खाया भी नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ, एक होते मलिच, एक होता उससे ज़्यादा मलिच, और ये तीसरे आते हैं ना जो 12:30 बजे काम निपटा करके बिना खाए बिना नहाए बैठे होते हैं। कोई बोल मत देना मलेच्चे, मेहनती होते मेहनती। चली जाता हूँ, नहाता हूँ, नहीं तो पड़ जाएगी फिर सही में डाल, और खाना भी यार भूख भी लगेगा। चलो ठीक है भाई, आज हो यहाँ से ही अल्ट्रा शॉट वहाँ तक का, पिछली बार यहाँ से लिया था, उससे पहले वहाँ से लिया था, आज यहाँ से होगा। कमेंट बॉक्स में अभी बता दो जाएगा कि नहीं जाएगा, वैसे चले जाना चाहिए, कूड़े की बाल्टी में ना जाए यार। आज पूरा दिन मैं बैठा रहा मम्मी लोगों के साथ, दादी भी ऊपर आ रखी थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्टिव नहीं था, एक क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करने का मूड था मेरा आज वो मैंने किया। और अभी मैं जाता हूँ छत पे क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है, आज पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी, नहीं तो सबके सब खराब हो जाएंगे। तो बस नहा लेता हूँ मैं, सोच रहा हूँ दोबारा, और फिर उसके बाद जाता हूँ, या पहले पौधों को पानी डाल दूँ उसके बाद जाऊँगा, तो देख लेते हैं दोनों में से जो भी होता है आपको पता लग ही जाएगा। तो देखिए आज बाल्टी से पानी डाला जाएगा एकदम मग्गे के साथ, और पानी मैं अंदर से लेकर आऊँगा, सारे गमलों को सींच दूंगा नीचे से ऊपर और उसी पड़ोसी सबके। चलिए सारे पौधों को पानी देते हैं क्योंकि आज भीषण भयानक गर्मी पड़ी हुई है इसी वजह से। यदि बाल्टी भरने का इंतजार नहीं और दूसरा बोतल भरने का इंतजार इतना लंबा होता है ना, इतना बोरिंग होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बोतल भरना पसंद है किसे किसे, किसे किसे बोरिंग लगता है मेरी तरफ। इंद्र बाहुबली ऊपर लेकर चलते हैं, टावर थोड़ा आज बताया ना पड़ोसी तक के गमले, एक गमले से दूसरे गमले में पानी ट्रांसफर। नए फूल निकल आए इस वाले पौधे में, ये पौधा पूरा खराब हो गया था, अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे ना तो ये वाला पौधा एकदम सूख गया था बारिश के साथ। यार तो गमलों में तो पानी डाल दिया सब में, मैं सोच रहा हूँ कि छत का एक ग्राउंड भी लगा लेता हूँ ऐसे, क्योंकि अब धूप भी नहीं है, और उधर का मौसम आपको दिखाता हूँ यार, अब चप्पल उप्पल कौन ही पहन रहा है ऐसे ही चले जाते, वहाँ कितनी धुंध मची हुई है यार, पक्का मुझे लग रहा है 100% वहाँ बारिश हो रही होगी। या उस तरफ देखिए, अभी पता नहीं किसी को आइडिया हो तो बता देना, कहीं ह्यूमिडिटी की वजह से तो नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमिड हो रखा हो। बाकी देखिए ये लोग पतंग उड़ाते रहते हैं लड़के सामने, जो दिन भर भाई दिन भर पता नहीं कैसे कैपेसिटी है इनकी, वो देखिए सामने बच्चा खेल रहा है, मैं चारों ओर पतंगे उड़ रही हैं, एक पतंग ये उड़ रही है यहाँ पे, ऊपर दिखाऊँ तो दो पतंगे यहाँ पे उड़ रही हैं, हवा चल रही है ना क्योंकि अब धूप भी कम होगी इस वजह से बच्चे बच्चे उड़ा रहे हैं आज पतंगे, थोड़ा डर भी लगता है यार इन के पास से एकदम मांझा वांझा निकलता। तो एक बार क्या हुआ था, स्कूल में एक सरदार जी थे हमारे, मतलब सीनियर भैया थे सरदार थे, वो उनकी गर्दन कटते कटते बच गई यार, वो अपनी बाइक से जा रहे थे ऐसी, और ये पतंग आ चुकी है, और देखिए किस्मत की बात है पतंग की बात ही कर रहा था और पतंग ही मिल गई कटी हुई मेरे के हाथ में। तो मैं यहीं पर खड़ा हुआ था, मंजे से कटने की बात ही कर रहा था तब तक पतंग ही आ गई। मैं दे दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं उड़ाता, आती उड़ानी लेकिन वैसे ही नहीं उड़ाता। देखते पहले कौन है, थोड़े से मजे लूंगा तभी दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। इसकी पतंग है, तुम ही उड़ा रहे थे वहां से। तो यार मैं तो उड़ाता नहीं हूँ, बच्चे पतंग मांगने के लिए आए, इन्हीं को दे देता हूँ, सामने वाले मांग रहे थे लेकिन लेने नहीं आए, अब इन लोगों ने ले लिया नीचे से मंजा वंजा भी कर लिया, तो दे रहा हूँ। पतंग ही उड़ाते रहते हो तुम लोग, बस पतंग ही उड़ाते हो दिन भर, पढ़ाई उड़ाई करते हो नहीं करते हो, कौन कौन सी क्लास में हो, 8 की टेबल सुनाओ, 8 की ऐसे क्यों नहीं आती टेबल, नहीं आती इसको, आती है कौन सी क्लास में, हाँ 8 5 का कितना होता है, अच्छा वो तो बता दो, 8 5 का कितना होता है जल्दी नीचे लिख के कर लो, लिख के जमीन पे जल्दी बताओ, 8 5 का कितना होता है तभी छोड़ूंगा। अरे बहुत सही गुरु, लो यादव जी संभाल के देखो। तो अभी मैंने इस बच्चे से जैसे कि टेबल पूछी थी, 8 की टेबल पूछी थी, 8 क्लास में बता रहा था पढ़ता है, यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि इस बच्चे को आती ही नहीं आती,
बात क्वालिटी की है कि कैसा पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, कितना समझ में आता है। आगे चल के आपको मेरे ब्लॉग्स में ये चीज़ दिखेगी, क्योंकि किसी एक चीज़ से मैं ऐसा जुड़ा हूँ जो मेमोरी की फील्ड से रिलेटेड है। आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता लगेगा करीब एक डेढ़ महीने बाद, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, तब मैं आपको इस चीज़ को एलैबोरेट करके बताऊँगा कि कैसे इस चीज़ को मिटाया जा सकता है बिना रटने वटने के तरीकों के अलावा, और कैसे याद करी जा सकती है। अगली बार याद कर लेना कितने की याद है ना। पसीना यार बहुत ज़्यादा हो चुका, और वो सरदार जी वाली स्टोरी रहेगी। वो सरदार जो भैया थे वो बाइक से जा रहे थे, तो ये चाइनीज़ मंजे से उनके गर्दन पे लग गया था वो चाइनीज़ मंजा, तो कटते कटते बच गई थी बाइक, एंड टाइम पे रोक ली थी, तो एक ऐसा स्लाइस बन गया था उनके गर्दन पे, पूरा ऐसा करके एक निशान आ गया था। अगले दिन आ रहे थे तो दिखाया था उन्होंने। तो बड़ी यार ख़राब ही चीज़ है एक तरीके से, जितना अवॉइड कर सको उतना करो। बच्चों को अपने बताओ चाइनीज़ मंजा तो मत ही दिलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प होता है यार, और टूटता भी नहीं है, काट ही रहता है सीधा। भाई साहब हालत देखिए जरा, इतनी देर के लिए गया था, जरा सी देर के लिए हालत देखिए कैसी हो गई है, फंसी भाई इनको यथास्थान रख दिए जाए। तो आज मम्मी बहुत ही स्पेशल कुछ बना रही हैं। क्या बना रहे हो? लौकी के कोफ्ते बन रहे हैं। भले ही मेहनत बहुत ज़्यादा है ये बनाने में कोफ्ते, लेकिन लौकी डेली डेली बनने से तो बेटर है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो कोफ्ते बना के खा सकते हो। इसके अलावा कई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत कुछ मिलता है आजकल। भैया कोफ्ते बनने जा रहे हैं, मम्मी बताएंगे कोफ्ते बनेंगे कैसे। बन गए? अच्छा बन गए। हाँ कोफ्ते तल दिए गए, कोफ्ते निकाल कर और इसकी ग्रेवी में डालने जा रहे हैं। तो बस कोफ्ते रेडी होने वाले हैं, इसके बाद हम खाएंगे निपटाएंगे और फिर सोने के लिए चले जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो आप करिए। कल मिलता हूँ आज की वीडियो के लिए, इतने तब तक के लिए गुड नाइट। भाई उन सरदार भैया की गर्दन कटने की बात कर रहा था, आज मेरी कतरन जाती देख रहे थे, मंजा यहाँ से निकला था। काली जुबान यार बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ अपने बारे में।